हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सलमा और आप देख रहे हैं सलमा फूडी और ये है मेरा चैनल सलमा फूडी। आई होप आप लोग बिल्कुल फाइन होंगे और अपने फूड को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, कर रहे कर लिया होगा या फिर करने वाले होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ईजी सी रेसिपी शेयर करूँगी, तो क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो आप लोगों के साथ ईजी सी रेसिपी शेयर करूँ हमेशा की तरह। तो चले फिर शेयर करती हूँ आपके साथ थोड़ी सी ईजी रेसिपी और आई होप कि आप लोग वो ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगे। तो चले फिर चल के देखते हैं कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम अब चिकन। तो इस चिकन का नाम मैंने रखा है क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है चटपटी चिकन। तो क्योंकि ये मैं बना रही हूँ, तो चले फिर चल के इसकी रेसिपी देखते हैं और फिर इसको बना के जल्दी से खाने के लिए वेट करते हैं, नहीं करेंगे। चिकन वॉश कर ली है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन, और लहसुन मैं ऐसे वाला काटती हूँ, टेस्टी नहीं हूँ तो ये मुझे पिसे हुए के टेस्ट नहीं लगता। तो इसको आप मैश कर लें पूरा, जो है मिक्स कर लें पूरा लहसुन डाल के। रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, बस सोया सॉस है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, बस बस बस। अब इसको मिक्स कर लूंगी मैं। अच्छे से भरो जो कट लगाया उसमें। कौन सा कर रही है यूज? नहीं बताओ ना, कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, बस ये आपने ऐसे ही मिक्स करनी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा अच्छे से इसके अंदर कोटिंग की है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए बस छोड़ देना है, फ्रिज कर दें या फ्रीज़र में रख दें अगर आपको जल्दी करना है। बस अभी मैरिनेट हो चुका है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चिकन रखेंगे और ऑयल अपने मुताबिक यूज़ कीजिएगा, और क्योंकि ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है, तो इसलिए जो है कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं।